नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन और साथ में आपको बताते हैं वहां पर रहने और खाने की सुविधा के बारे में। आज के एपिसोड में हम आपको हिमाचल के सभी शक्तिपीठों के दर्शन करवाएंगे। 2 दिन और 1 रात का ये टूर होगा, जिसमें कि हम चिंतपूर्णी धाम से शुरू करेंगे, उसके बाद ज्वाला जी, फिर सिद्धपीठ बगलामुखी, उसके बाद ब्रजेश्वरी देवी और फिर चामुंडा देवी के दर्शन करेंगे और सबसे अंत में हम नैना देवी मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। आज के एपिसोड में सभी शक्तिपीठों का पौराणिक इतिहास और हर मंदिर की खास विशेषताओं के बारे में बताएंगे, साथ में रुकने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे। हिमाचल के इन शक्तिपीठों की जो जानकारी इस एपिसोड में आपको दी जाएगी, वो ट्रेन से आने वाले, कार से आने वाले और बस से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए होगी। भारत के किसी भी हिस्से से अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली तक पहुंचना होगा। दिल्ली से जो सबसे बढ़िया विकल्प है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस का। सुबह के 5:50 पर वंदे भारत दिल्ली से चलती है और 11 बजे के करीब यहाँ पर अम्बनदौरा स्टेशन के नाम तक पहुँचती है। वंदे भारत पर पर्सन टिकट की बात करें तो जो चेयर कार्ड का रेट है वो 1000 के करीब प्रति व्यक्ति है और अगर आपको एग्जीक्यूटिव कार्ड की टिकट लेनी है तो वो 2000 प्रति व्यक्ति के करीब करीब है। वंदे भारत शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के सभी दिनों में चलती है। अम्बनदौरा से जो चिंतपूर्णी धाम की दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर है। आपको यहाँ पर टैक्सी भी मिलती है। टैक्सी वाले, अगर आप परिवार के साथ हैं 4 या 5 आदमी, तो आपसे वो 1000 रुपया लेते हैं आपको चिंतपूर्णी तक पहुँचाने का। जो अम्बनदौरा से चिंतपूर्णी में आपको पहुँचने का समय लगेगा लगभग 45 मिनट। तो अगर आपके पास अपना निजी वाहन है और दिल्ली चंडीगढ़ से अगर आप आ रहे हैं तो ऊना नंगल से होते हुए आगे एक छोटा सा कस्बा आता है मुबारकपुर, वहाँ से आप अंदर की तरफ चिंतपूर्णी मार्ग पर चल पड़ेंगे। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मुबारकपुर है और यहाँ से चिंतपूर्णी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारा हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, धर्मशाला, कांगड़ा जो डिस्टेंस है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चिंतपूर्णी धाम की यात्रा शुरू करते हैं। बस की सुविधा भी उपलब्ध रहती है और पूरे के पूरे हिमाचल शक्तिपीठ के जो सर्किट है आपको जगह जगह से बस मिलेगी। माँ चिंतपूर्णी का जो धाम है, पहले सबसे पहले एक आता है यहाँ पर जगह भरवाई करके, भरवाई चौक है। भरवाई चौक से 3 किलोमीटर अंदर जाकर माँ चिंतपूर्णी जी का मंदिर है। यहाँ पर नाका है, नाके पर आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आपको लगभग 1/2 किलोमीटर पैदल चढ़कर गेट नंबर 1 से माँ चिंतपूर्णी धाम के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर चिंतपूर्णी के बाजार हैं, बहुत ही बड़े हैं। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर दुकान पर ये कढ़ाई देखने को मिलेगी, इसमें हलवा डाला जाता है और ये आप माता को भोग पे चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा है, 20 का, 30 का, 40 का, जितना भी, आपको हर दुकान में ये हलवा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर समय यहाँ पर भीड़ भी रहती है और अगर आपको भीड़ भी मिले तब भी आपको दर्शन करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो हमने जो दर्शन किए हैं उसमें हमको 1/2 घंटे का समय लगा। तो माँ चिंतपूर्णी धाम में आकर जो सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं वो माँ के सोने के भवन के दर्शन करने हैं, जिसमें माँ चिंतपूर्णी निवास करती हैं। चिंतपूर्णी में वैसे तो बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए हम आपको बड़े ही आराम से माँ चिंतपूर्णी के जो असली स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं। तो पहले आप माँ चिंतपूर्णी के दर्शन कीजिए। तो जो हम सबसे पहले शक्तिपीठ माँ चिंतपूर्णी के दर्शन कर रहे हैं तो वो आपको बता दें कि जब माँ सती ने भगवान शिव के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे। तो इसलिए चिंतपूर्णी धाम भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहा जाता है। ये शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है। सिद्धपीठ इसलिए है क्योंकि माँ चिंतपूर्णी का जो पौराणिक इतिहास है वो माई दास जी के साथ भी जोड़ा जाता है। हमारे जो पूर्व से श्री बाबा माई दास जी, वो माता के बहुत बड़े उपासक थे, तो यहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, अपने ससुराल जा रहे थे, तो यही वट वृक्ष है। यहाँ पे वो आराम करने के लिए रुके और नींद आ गई और माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान हूँ, यहाँ पर रह के मेरी पूजा अर्चना करो। तो माता जी ने यहाँ पे कन्या रूप में दर्शन दिए। माँ चिंतपूर्णी जी सबसे छोटी बहन है और इसलिए सबसे लाडली है। माँ चिंतपूर्णी के मंदिर का प्रसाद किसी और मंदिर में नहीं जाता। माता सबसे छोटी बहन है, चिंतपूर्णी का जो हलवे का प्रसाद है वो ज्वाला जी नहीं जाता। और वैसे ही ने एक प्रकार श्रद्धालुओं ने काफ़ी साल पहले की बात है, ये घंटी जो है ज्वाला जी के लिए लेके आए थे, यहाँ पे लेके वापस जाने लगे लेकिन द्वारा उठाई नहीं गई। यहाँ पे काफ़ी चमत्कार है। तो माँ चिंतपूर्णी में अभी 1 महीना पहले यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी दे दी गई है जो आम भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे कि जो वृद्ध और विकलांग व्यक्ति है वो यहाँ पर आसानी से दर्शन कर सके। इसका जो चार्ज रहता है वो 1100 रुपये रहता है, जिसमें कि 3 से 4 लोग जा सकते हैं। माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, बड़े अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं। अगला मुख्य तीर्थ स्थल है वो है ज्वाला जी, जो कि चिंतपूर्णी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको कांगड़ा हाईवे पर पड़ना है और एक जगह आती है यहाँ पर देहरा गोपीपुर करके,
देहरा गोपीपुर से आपको जो हनुमान चौकों का वहाँ पर बजरंगबली जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ से आपको दाई ओर अंदर की तरफ जाना है और जो हनुमान चौक से ज्वालाजी मंदिर की दूरी है वो लगभग 13 किलोमीटर है। तो अगर आप बस से आ रहे हैं बड़े अच्छे से बस की सुविधा मिल जाती है ज्वालाजी तक, और ज्वालाजी बस स्टैंड है जो वो मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो अभी हम ज्वाला देवी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है जो वो मंदिर के द्वार के बिल्कुल साथ में है, और अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड इस मंदिर के बिल्कुल सामने है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लगभग यहाँ से 300 मीटर है। बाजारों में से होते हुए आप जाएंगे, फिर आगे 25-30 सीढ़ियाँ हैं और माँ ज्वाला का दरबार आपको सामने दिखाई देता है। मंदिर का जो परिसर है बहुत ही बड़ा है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाला जी मंदिर में आपको आकर जो मुख्य स्थल है वो कौन कौन से देखने हैं। 51 शक्ति पीठों में से एक स्थान है, यहाँ पे महामाई सती जी की जीवा गिरी थी, और जब से यहाँ पे जीवा गिरी तब से यहाँ पे ज्वाला रूप में माई विराजमान। माता रानी का ये मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो माता की कोई प्रतिमा है और ना ही माँ पिंडी रूप में है। यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्योतों के रूप में माँ की पूजा की जाती है। यानी 7 ज्योतियाँ मुख्य मंदिर के अंदर, और सातों के नाम इस तरह से, जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाईं साइड से परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के अंदर जाते हैं, तो जो पहली ज्योति है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय माँ हिंगला जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी, और उसके सामने वो सोने के आले में जो है वो महाकाली स्वरूप में महामाई ज्वालामुखी है, वही वो स्थान है जहाँ पे महामाई की जीवा गिरी है, और उसके साथ माँ अन्नपूर्णा जी, और उसके नीचे कुंड है जहाँ पे 2 ज्योतियाँ हैं महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में। ज्वाला देवी मंदिर में दूसरा मुख्य स्थल, ज्वाला देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही आपको गोरखनाथ टिब्बी मंदिर है। यहाँ गोरखनाथ जी ने 12 साल तक तप साधना की थी। यहाँ एक चमत्कारी कुंड के दर्शन आप कीजिए जिसमें गरम गरम खोलता हुआ पानी उबल रहा है, लेकिन जब आप हाथ लगाते हो तो वो बिल्कुल ठंडा है। और जे भी माँ की शक्ति कही जा सकती है कि वैसे पानी उबल रहा है, लेकिन मैंने जैसे इस पानी में हाथ डाला ये देखिए बिल्कुल ठंडा है। माता की 2 ज्वालाएँ पानी में ही जल रही हैं, और ये अपने आप में एक चमत्कारिक दृश्य है यहाँ पर, और इसे ही गोरख दिपी कहते हैं। यहाँ पर ही बाबा जी गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। 12 बरस तपस्या की है यहाँ पर। अच्छा, एक और हैरान करने वाला दृश्य जो हमने यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में देखा कि माँ की ज्वाला से पानी में भी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। महाराजा रणजीत सिंह जी की भी माँ ज्वाला जी के प्रति एक विशेष आस्था थी। 1835 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर माँ के लिए सोने का छत्र चढ़ाया था। एक विशेष बात ज्वाला जी में और है, ये जो माई का स्वर्ण है गुबंद के ऊपर लगा हुआ, ये सारा महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। वो जब किसी भी बड़े युद्ध के लिए जाते थे तो माई से आशीर्वाद लेके जाते थे, उनको जीता, और वहां पर जितना भी वो स्वर्ण जीत कर आए उसका 25% ज्वाला जी, 25% काशी विश्वनाथ बनारस, और 50% श्री हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने वो सारा सोना दिया, और वो जो 25% है वो ये सोना है। माँ ज्वाला देवी जी के साथ भक्त शिरोमणि ध्यानु भगत जी का भी एक विशेष इतिहास रहा है। ध्यानु भगत जी जो हुए हैं वो दिल्ली से अपने पूरे संगत को लेकर के माई की जय जयकार करते हुए आते थे, तो उसी को देख करके अकबर यहाँ पहुँचा था। अकबर माँ की इन ज्वालाओं के दर्शन करके हैरान और शंकित भी हुआ, तो उसने माँ की ज्वालाओं की सत्यता को जांचने के लिए ऊपर पहाड़ों में से एक नहर निकाली। उसने पूरे मंदिर को जल से भर दिया, जिसकी नहर यहाँ अभी भी ज्वाला जी में है जहाँ पे जल इकट्ठा होता है उसका। उसने जल से भर दिया मंदिर को, लेकिन उसका जल से भरे हुए मंदिर के ऊपर वो ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी, यानी जो लेवल था पानी का उससे ऊपर ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी है, और ज्योतियाँ शांत नहीं हुई। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया, तेज इतना बढ़ गया ज्योतियों का कि वो तवे पिघल गए, फिर वो अचंभित हुआ। उसके बाद अकबर को भी माँ ज्वाला देवी के आगे झुकना पड़ा, और उसने माँ को भेंट के स्वरूप में यहाँ पर 125 सोने का छत्र चढ़ाया। उसके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका आई, मैं मुस्लिम होकर हिंदुओं की देवी को चढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसका एक तरह से घमंड तोड़ा था। उसके देखते देखते वो जो छत्र था स्वर्ण का, वो ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो सोने का था, और आज भी वो सोने का छत्र आपको यहाँ पर मंदिर परिसर में जो गैलरी बनी हुई है वहाँ पर दिखेगा। और उस छत्र में जो आपको शेद दिखाई दे रहा है वो शेद इसलिए है कि वैज्ञानिकों ने इस छत्र में से थोड़ी सी इस धातु को लेकर गए थे, ये छत्र कौन सी धातु का बना हुआ है, लेकिन वे भी किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने में असफल रहे। मंदिर के पास ही दोनों समय आपको निःशुल्क लंगर यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिया जाता है। तो अब बात करें कि आपको रुकना कहाँ पे है, तो जब आप हिमाचल शक्तिपीठ के दर्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं ज्वाला जी शक्तिपीठ में। उसके 2 कारण हैं,
पहले तो है कि ज्वालाजी शक्तिपीठ की जो शही आरती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो आप देखिए, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ या कहीं से भी आ रहे हैं तो 11-12 बजे भी आपकी दिन की यात्रा शुरू होती है, तो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं चिंतपूर्णी में, और उसके बाद जब तक आप ज्वालाजी के शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर शाम पड़ ही जाएगी। तो इसलिए ज्वालाजी शक्तिपीठ है वो एक बढ़िया ऑप्शन रहता है पहले दिन के स्टे के लिए। माँ ज्वाला देवी मंदिर के आसपास ही आपको जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का माँ ज्वाला जी होटल भी है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो हम यहाँ पर रुके थे, वो थी जगह गीता भवन धर्मशाला। मंदिर से 200 मीटर पहले ही ये गीता भवन धर्मशाला है। यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। जो कमरे का चार्ज है नॉन एसी का वो है 500 रुपये दो बंदों के लिए, और जो एसी कमरे का यहाँ पर शुल्क है वो 1000 दो व्यक्तियों के लिए है। और अगर आप जत्थे में आ रहे हैं तो यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। तो रात को ज्वालाजी शक्तिपीठ में रुकने के बाद हम अपने अगले दिन की यात्रा शुरू करेंगे हिमाचल शक्तिपीठ की। और सबसे पहले हम जाएंगे ज्वालाजी से 22 किलोमीटर दूर माँ बगलामुखी के धाम में, जो कि एक सिद्ध पीठ है। माँ बगलामुखी का धाम कांगड़ा के बनखंडी कस्बा में पड़ता है। ज्वालाजी से आपको जो समय लगेगा, आधे से पौना घंटा समय लगेगा बगलामुखी धाम तक पहुँचते ही। रोड पर ही ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर फ्री पार्किंग के लिए भी एक बड़े एरिया में जगह दी गई है। माँ बगलामुखी के इस धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो जो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है वो आपको यहाँ पर हर तरफ पीला रंग ही दिखाई देगा। माँ का जो प्रसाद है वो भी पीला है, पीला ही श्रृंगार है, यहाँ तक कि जो पंखे ऊपर लगाए गए हैं वो भी पीले रंग के ही हैं। माँ बगलामुखी जी को रावण की इष्ट देवी भी माना जाता है। गर्भगृह में आपको जो मुख्य दर्शन होंगे माँ बगलामुखी के दर्शन होंगे, और उसके साथ में ही आपको एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ गणेश जी विद्यमान दिखाई देंगे, और महाकाल माँ बगलामुखी के भैरव कहलाते हैं। माँ बगलामुखी का ये मंदिर पूरे भारत में यहाँ पर हवन करवाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। बगलामुखी सिद्ध पीठ में होने वाले हवन यज्ञ की विशेषता ये है कि यहाँ पर हवन में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। आपको मंदिर परिसर के चारों तरफ हवन कुंडी दिखाई देंगे, यहाँ पर भक्त बाएं हाथ से लाल मिर्च की आहुति डाल रहे होते हैं। बड़े से बड़ा कलाकार भी माँ बगलामुखी के दरबार में मुसीबत के दिनों में हाजिरी लगाने आता है, क्योंकि माँ बगलामुखी तंत्र की देवी भी है। कि हम जानते हैं कि यहाँ पे मूलतः हवनों का विशेष महत्व है। यहाँ पे 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से की जाती हैं। शत्रुनाश के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में विजयश्री के लिए। मुख्यतः तो यहाँ पर रोज ही हवन किए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य दिन है वो है रविवार, वीरवार, मंगलवार और शनिवार। माँ बगलामुखी को बगलामुखी क्यों कहा जाता है उसका इतिहास भी काफी रोचक है। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की समस्या हल करने के लिए हुई थी। एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी के शास्त्र को पाताल लोक में जाकर छुपा दिया था। उस राक्षस को वरदान था कि ना तो उसे धरती पे कोई मार सकता है ना पानी में। माँ भगवती ने बगुले का रूप धारण करके पाताल की गंदगी से उस शास्त्रों को बाहर निकाला और ब्रह्मा जी को वापिस कर दिए। तब से माँ भगवती की बगलामुखी के रूप में पूजा होने लगी। माँ बगलामुखी मंदिर के परिसर में ही बनखंडी महादेव मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोगों की भगवान के शिवलिंग के प्रति एक विशेष आस्था है, और ये शिवलिंग आकार में भी बहुत बड़ा है। माँ बगलामुखी धाम के दर्शन करने के बाद जो हमारा अगला मुख्य तीर्थ स्थल है वो है ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ, जिसकी दूरी बगलामुखी धाम से 24 किलोमीटर है। यहाँ पर पास में कांगड़ा जुडिशियल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर आप पार्किंग की अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ को नगर कोट की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो था नगर कोट। कोट का मतलब यहाँ पर किला होता है, और कांगड़े का किला यहाँ पर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठ की मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर माँ का बायां वक्ष स्थल घिरा था। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में जो मुख्य स्थल हैं, सबसे पहले तो आप जैसे ही माँ के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर 4 शेर दिखाई देंगे जो कि पीतल से निर्मित हैं। उसके बाद गर्भगृह में आपको माँ ब्रजेश्वरी के पिंडी रूप के दर्शन होंगे, और यहाँ पर विशेष रूप से एक बात ध्यान देने योग्य है कि माँ के पिंडी रूप के साथ ही आपको माँ भद्रकाली और माँ एकादशी के भी दर्शन होंगे, जो कि कई श्रद्धालुओं को नहीं ज्ञात होता। और ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ की तीसरी विशेष बात है यहाँ की भवन निर्माण कला। एक ही भवन में 2 तरह की निर्माण कला देखने को मिलेगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है जो सफ़ेद दिख रहा है वो बिल्कुल नया है, और नीचे वाला हिस्सा पुराना है। इसका जो इतिहास है, इसका जो कारण है, वो जुड़ा हुआ है 1905 से, जब कांगड़ा में एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर आपको 2 तरह के भवन निर्माण कला के दर्शन होंगे।
और चौथा मुख्य स्थल ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में है तारा देवी मंदिर। छोटा सा ये मंदिर है, इस मंदिर की विशेष बात यह है कि 1905 में जो भूकंप आया था सिर्फ यही मंदिर बचा था। इस मंदिर को आज किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, तो इसलिए इस मंदिर की भी यहाँ पर एक विशेष मान्यता है। तो हिमाचल शक्तिपीठ यात्रा पर ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद अगला मुख्य स्थल है चामुंडा देवी जी का मंदिर। तो इसकी जो दूरी है ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ से वो लगभग आपको यहाँ से आधे घंटे का समय लगेगा। चामुंडा देवी जो शक्तिपीठ है वो पालमपुर और कांगड़ा के बीच में स्थित है। यहाँ से हिमाचल का मुख्य पर्यटन स्थल पालमपुर 20 किलोमीटर की दूरी पर है और धर्मशाला चामुंडा देवी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप धर्मशाला भी घूमने के लिए जा सकते हैं और पालमपुर भी जा सकते हैं। तो बात करें चामुंडा देवी मंदिर की, तो यहाँ पर माँ काली को चामुंडा देवी के रूप में पूजा जाता है। चंड और मुंड का वध करने के लिए माँ ने जिस रूप में अवतार लिया था उसका नाम यहाँ पर चामुंडा कहा जाता है। चामुंडा को नंदिकेश्वर धाम से भी जाना जाता है। माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको चांदी के गर्भगृह दिखेगा और उसके बाद माँ चामुंडा की प्रतिमा रखी गई है। माँ की मुख्य प्रतिमा को यहाँ पर ढक कर रखा गया है कि उसकी पवित्रता बनी रहे। माँ चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो बनेर नदी के तट पर स्थित है, तो इसलिए आपको इस मंदिर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर कुदरती नज़ारों के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा जो वो स्थान है यहाँ पर आपको शिव और शक्ति का अनोखा स्वरूप एक साथ देखने को मिलेगा। माँ चामुंडा देवी मंदिर से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक चट्टान है और उस चट्टान के नीचे नंदिकेश्वर धाम के रूप में भगवान शिव स्थापित हैं। किसी समय में माँ चामुंडा देवी में मानव बलि भी दी जाती थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में इस बलि को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक और विशेष बात कि जब आप ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ या माँ चामुंडा देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर एक मलाई बर्फ या मलाई कुल्फी बनाई जाती है, जो कि एक प्राचीन परंपरा से बनाई जाती है, जिसके लिए किसी भी तरह की बर्फ़ या फ्रिज का यूज़ नहीं किया जाता। इस मलाई बर्फ़ का जो निर्माण है वो आग और पानी से बनता है। खाने में जो विशेष रूप से बहुत ही स्वादिष्ट थी, तो इसका जायका आप ज़रूर लीजिए। तो जैसे डे टू की यात्रा हमने शुरू की है बगलामुखी धाम से, तो बगलामुखी धाम में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। उसके बाद हम 9 बजे तक ब्रजेश्वरी मंदिर में पहुंच चुके थे, वहां पर भी हमें 15 से 30 मिनट में दर्शन हो चुके हैं। चामुंडा देवी मंदिर में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। तो इस तरह से 12 से 1 बजे तक आप फ्री हो सकते हैं इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करके। और उसके बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो अंतिम शक्तिपीठ है नैना देवी मंदिर की। चिंतपूर्णी से जो नैना देवी मंदिर की दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है। अलग ही इसका रास्ता पड़ता है। जिस रास्ते से हम चिंतपूर्णी की तरफ गए थे उसी रास्ते से वापसी में आपको नंगल आना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आनंदपुर पहुँचना होगा। आनंदपुर बस स्टैंड के साथ ही यहाँ पर सड़क जाती है नैना देवी शक्तिपीठ के लिए और 18 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर ज़िले में माँ नैना देवी का जो शक्तिपीठ पड़ता है। इसमें यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन भी आप नैना देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना स्टे एक दिन के लिए और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नैना देवी को छोड़कर जो बाकी के चार मुख्य शक्तिपीठ हैं चिंतपूर्णी से लेकर चामुंडा देवी तक, इनके बीच में जो दूरी है वो लगभग 30-35 किलोमीटर की है एक मंदिर से दूसरे मंदिर की। ये तो आप जल्दी देख सकते हैं, लेकिन जो नैना देवी का मंदिर है वह इन सभी शक्तिपीठों से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वो यहाँ तो आप पहले देखिए या नैना देवी शक्तिपीठ सबसे अंत में देखिए। नैना देवी शक्तिपीठ चाई पर स्थित है। बस स्टैंड है जो नैना देवी मंदिर का, वहाँ पर भी आपको पार्किंग मिलेगी, लेकिन अगर आप मंदिर के सीधे प्रवेश द्वार तक पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ तक भी गाड़ी चली जाती है। माँ के 51 शक्तिपीठों में से नैना देवी शक्तिपीठ वो स्थान है यहाँ पर माँ के नैन गिरे थे। तो इस मंदिर में दर्शन करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। नैना देवी मंदिर की ऊंचाई पर जब आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आपको जो सागर बांध का दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो झील आपको दिखाई देगी। तो नैना देवी मंदिर में आपको रोप वे से भी ऊपर तक जाने की सुविधा है, आप बस स्टैंड से अगर आते हैं, क्योंकि बस स्टैंड से 3 किलोमीटर है नैना देवी मंदिर। तो अगर आप रोप वे से जाते हैं तो एक तरफ का जो किराया है वो 130 रुपये है और आने जाने का 190 रुपये है। और इसी तरह से अगर बच्चे हैं 12 साल से कम के, एक तरफ का किराया 60 रुपये है और आने जाने का 90 रुपये है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों के दर्शन, जिसे कि आप 2 दिन और 1 रात में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय माता दी।